बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता है, जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं कुछ ऐसा तुम्हारी ज़िंदगी में कर देता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है, सो दैट तुम मेरे और करीब आ जाओ। अल्लाहु अकबर। जब तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानी आती है ना, ये चीज़ हमेशा याद रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो तुम्हें दूर करना चाहता है और तुम्हारा अल्लाह ताला से विश्वास उठ जाना चाहिए या फिर ऐसा कुछ। सब्र करो, सब्र, थोड़ा सब्र करो। इसीलिए तो हदीस में फरमाया गया है कि जब अल्लाह अपने बंदे को प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए टेस्ट भेजता है, सो दैट वो जो उसका बंदा है अल्लाह का, वो उस टेस्ट पे अच्छे से चले और अच्छा बने और अल्लाह के और करीब आए। जब आपकी परेशानियाँ, जब आपकी प्रॉब्लम्स, जब आपका दर्द को अल्लाह के जब करीब लेके जाता है ना, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए तोहफा है। और जब यही चीज़ तुम्हें अल्लाह से दूर करती है ना, परेशानी आ गई और हम अल्लाह से मोहब्बत करने के बजाय, अल्लाह ताला की इबादत और ज़्यादा करने के बजाय हम अल्लाह ताला को भूल जाएं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अज़ाब है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट है। तो अल्लाह ताला के जितना हो सके उतना करीब जाओ, अपनी परेशानियों में अल्लाह ताला को अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, देखो तुम्हारी परेशानियाँ कैसे दूर होती हैं। थोड़े वक्त की बात है, बट अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा बिल्कुल करो। सो गाइज, आई होप आपको ये चीज़ ज़रूर समझ आई होगी, ये चीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेगी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना और दूसरों को शेयर भी करना, सदका ज़रिया होता है ना। सो गाइज, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुरान क्लास 93 सूरतुल अलमायदा आयत नंबर 33-35, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये वीडियो है, स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इन्नल हमदुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين آمين अल्हम्दुलिल्लाह आज 19 सितंबर 2021 को कुरान क्लास नंबर 93 की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल मायदा की आयत नंबर 33 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। ये आयत नंबर 33 जो है सूरतुल मायदा की, ये मशहूर तरीन आयात में से एक
आयत है, मुख्तलिफ आयात हैं जिनके नाम भी हैं, जो उन आयात के अंदर मजामीन आते हैं उसके एतबार से। उन्हीं आयात में से एक ये आयत भी है, इसे आयत मुहारबा कहते हैं। यानी वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा वजल्ला वसल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के खिलाफ बगावत करते हैं, उनकी सजा क्या है, उनका अंजाम क्या होना चाहिए। फसाद फिल अर्द करने वाले जो लोग हैं, जमीन में फसाद मचाने वाले लोग, उनकी सजा इस आयत के अंदर बयान हुई है। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में भी हुई, और फिर सैयदना अली के दौर के अंदर भी जंगे नहरवान के मौका पर खवारिज के साथ इस किस्म का सलूक किया गया, क्योंकि वो भी फसाद फिल अर्द करने वाले, रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करने वाले थे। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर, उसके बाद हम इंशाल्लाह इस आयत को कवर करते हैं, कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चंद गरीब लोग मुसलमान हुए, यानी बज़ाहिर कलमा पढ़ा, नबी अलैहिस्सलाम के मेहमान हुए, आप अलैहिस्सलाम ने उनको अपने चरवाहे के साथ अटैच किया ऊँटों की देखभाल के लिए, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो बेईमान हो गए और दुनिया की मोहब्बत की लालच में उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के ऊँट भगाने के लिए और उनको चोरी करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को कत्ल किया, उसके हाथ पांव कान काट दिए, उसकी आंखों में सलाइयां फेरी, इस अजियत के साथ उसे शहीद किया, प्यासा उसे मार दिया और नबी इस्लाम के ऊंट लेकर वो भाग गए। खैर वो कहाँ भाग के जा सकते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी रवाना किए, वो उनको पकड़ कर लाए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िसास के तौर पर, जो बनी इसराइल के लिए भी अहकाम है, कुरान में भी आए कि कान के बदले कान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब लोगों को कत्ल करवाया, उनके हाथ पांव कटवाए और उनकी आंखों में सिलाइयाँ फिरवाईं, बिल्कुल वही कुछ के शासन किया जो कुछ उन्होंने उस चरवाहे मजलूम के साथ किया। अब ये अहादीस जो कि बुखारी मुस्लिम में आई हैं, इनके ऊपर जो मुनकरीन अहादीस हैं वो एतराज भी करते हैं, वो कहते हैं कि जी देखें, एक तरफ तो आप ये क्लेम करते हैं कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो बुखारी और मुस्लिम की ये वाली अहादीस आप अलैहिस्सलाम की बदनामी का सबब है, इन अहादीस का वो इस वजह से इनकार करते हैं। कई मुनकरीन अहादीस इस हवाले से पैदा हुए, उन्होंने बकायदा किताबें लिखी कि ये सब की सब इस्लाम के खिलाफ साजिश है अहादीस। हमारे जेलम शहर में भी एक बंदा था, 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं उसको मिलने के लिए भी गया, उसने कहा ये रहमतुल आलमीन होने के खिलाफ है ये अहादीस, हालांकि उसे ये बात समझ नहीं थी कि भाई रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये नहीं है कि आप अल्लाह ताला के अहकामात में कुछ सुस्ती दिखाएंगे और रहमत की कैटेगरी में फॉल कर देंगे। रहमतुल आलमीन का मतलब यह है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात की खातिर किसी को से बदला नहीं लेते थे, मुआफी और दरगुजर की रविश इख्तियार करते थे, लेकिन वंस अगर कोई शख्स अल्लाह की हदों को तोड़ता था फिर हुजूर से ज्यादा सख्त कोई नहीं होता। और ये चीज आपके रहमतुल आलमीन होने के कोई मुनाफी नहीं है, अल्लाह ताला भी तो गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को क्या अजाब नहीं देगा, तो ये चीज सिफ्ते रहमत को वायलेट तो नहीं कर रही। मुजरमीन को सजा देना ही रहमत है उन लोगों के हक में जिन मजलूमीन के ऊपर जुल्म हुआ है। कयामत वाले दिन जब अबू जहल को अजाब होगा तो ये अबू जहल को दिया जाने वाला अजाब अम्मार इब्ने यासिर के वालिदैन सैयदना यासिर और सैयदा सुमैया के हक में रहमत होगी, क्योंकि उन्हें बदला मिलेगा। एक शख्स के हक में अजाब दूसरे के लिए रहमत हो रही होती है, मजलूमीन के लिए।
तो ये अल्लाह की रहमत का तकाजा भी है और सिफत अदल का तकाजा ये है कि वो बदला दिलवाया जाए। दुनिया में भी क़िसास के तौर पे ये किया जाता है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 179 है, वलकुम फिल क़िसास हयातु या उलिल अल्बाब, ऐ अकलमंदो क़िसास में पूरी इंसानियत की जिंदगी छुपी है। कत्ल के बदले कत्ल किया जाए कातिल, मुआफी की रविश को डिस्करेज किया गया है कत्ल के केस, सिर्फ कत्ल के केस। पिछली दफा हम इससे पिछली आयत जो पढ़ चुके, आयत नंबर 32 जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, उसके लिए जो फसाद फिल अर्द और किसास के अलावा अगर किसी को नाहक कत्ल करता है तो उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, और जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो किसास कत्ल के बदले मुआफी की रविश नहीं है, तो ये अल्लाह ताला की को रहमत के मुनाफी नहीं चीज होगी, बल्कि ये सिफते अदल का तकाजा है। और मजलूमीन को इंसाफ दिलाना मजलूमीन के हक में रहमत है और उस काफिर के हक में अल्लाह का गजब और अजाब। तो नबी इस्लाम ने भी अगर कोई ऐसा काम किया तो आपकी सिफते रहमत पे कोई हरफ नहीं आता। और किसी हद तक फिर जब इस किस्म के इतराजात हैं वो जस्टिफाई इसलिए हो जाते हैं कि अवामुन नास को हमने नबी इस्लाम की पिक्चर बड़ी गलत पेश की है। अक्सर आपने सुना होगा कि नबी इस्लाम ने कभी किसी को बदवा नहीं दी, बिल्कुल झूठ है। तो कुनूत नाजला आप क्यों पढ़ते रहे बुखारी मुस्लिम में काफरों के ऊपर अगर बदवा नहीं दी है? हाँ, आपने अपनी जात की खातिर स्पेसिफिक कुछ नहीं किया, कभी किसी से बदला नहीं लिया, किसी को बदवा नहीं दी, मुआफी की रविश इख्तियार। लेकिन जहां पर आपके असहाब के साथ ज्यादती होती थी, आप अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में दीन की हदें तोड़ी जाती थी, वहां अल्लाह के नबी से ज्यादा सख्त कोई नहीं था और सहाबा इकराम कांपते थे हुजूर के जलाल से। हमें तो हुजूर की बड़ी मीठी पिक्चर पेश की गई है, आपको अंदाजा नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम का कितना रूप था अपने सहाबा के ऊपर। सही बात है भाई, अपने उस अखलाक के बावजूद, अखलाक की तो गवाही अल्लाह ने दी सूरह आले इमरान में, क्या है नबी अगर आप अपनी जुबान के तेज होते और बद अखलाक होते तो सहाबा इकराम आपके इर्द से आपको छोड़ के चले जाते, आप इनके हक में बड़े नरम। सूरह तौबा में आया हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, लेकिन अल्लाह के अहकामात के मामले में हुजूर की इतनी सख्ती है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जो लोग अपने घरों में नमाज पढ़ लेते हैं और मस्जिद में नहीं आते, मेरा दिल करता है मैं उन लोगों के घरों को आग लगा दूं अगर मुझे औरतों और बच्चों का ख्याल ना हो, क्योंकि उन पे तो जमात फर्ज नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस है, जो लोग जुमे की नमाज अदा नहीं करते अगर मुझे औरतों और बच्चों का ख्याल ना होता मैं उन लोगों के घरों को आग लगा देता, अपनी जगह किसी और को इमाम मुकर्रर कर। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब फातिमा नामी औरत की चोरी का मुकदमा आया और नबी अलैहिस्सलाम को सिफारिश की गई कि ये ऊंचे खानदान की है, तो आपने नमाज के बाद मस्जिद में मिंबर लगाया और जलाल के आलम में आप फरमाया अल्लाह के अहकामात में तुम मुझे सिफारिश कर रहे हो, अल्लाह की कसम तुमसे अगली कौमें इसीलिए बर्बाद हुई कि उनके अशराफिये के लिए और कवानीन होते थे और गरीब लोगों के लिए, और अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती मैं उसके भी हाथ कटवा देता। फरमाया मुझे अल्लाह के अहकाम के मामले में सिफारिश कर रहे हो तुम? तो नबी इस्लाम रहमतुल आलमीन का कतन ये मकसद नहीं है कि आप खुली छुट्टी दी हुई है आपने लोगों को। यहां भी हुजूर का चरवाहा कत्ल हुआ तो आपने उसके बदले में उसे कत्ल करवाया, उसकी आंखों में सलाइयां फिरवाई उन लोगों की जिन्होंने उसको कत्ल किया, उनके हाथ पांव कटवाए, उनको प्यासा रेगिस्तान में फेंक दिया, तड़प तड़प के उन्होंने जान दी। उसके सबूत में ये आयत भी सूरतुल माईदा की आयत नंबर 33 आयत मुहारबा है कि आपने फसाद फिल अर्द करने वालों को क्या सजाएं देनी है, तो कुरान में आई है ना, तो बुखारी मुस्लिम में तो नहीं, आप देखें कितने सख्त अल्फाज के साथ यहाँ पे अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है। तो गाइस ये था हमारा रिएक्शन ऑन कुरान क्लास एंड जिस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो रहम करने वाले ज़रूर थे, उन्होंने अपनी नफ्स की खातिर कभी किसी इंसान को कुछ भी नहीं बोला, ना ही उसको बुरा बोला, ना ही उसको सज़ा दी, खुद के लिए
बट जहाँ पे उनके सहाबा की बात आती थी या फिर अल्लाह के जो हुक्म की बात आती थी उस टाइम पे वो किसी की नहीं सुनते थे। और ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट रहना इस्लाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज अगर स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे अल्लाह के मामले में देन लोग आपको पता है कितने फैलते हैं भाई, बहुत तगड़े वाले फैलते हैं एंड नमाजें तक नहीं पढ़ते भाई, आप सोचो क्या ही बोलने का अभी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट पार्ट भी इसका ज़रूर लेके आएंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सी यू।